नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज, कासगंज गंज डुरारा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को लेकर रेडीमेड दुकानों की बैठक संपन्न हुई। साप्ताहिक बाजार को लेकर अधिकारियों को भी अवगत करा चुके, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गंज डुरारा कासगंज नगर में कोतवाली के सामने लगने वाले साप्ताहिक बृहस्पत बाजार को लेकर शिव स्वयंवर मेरी झूम में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेडीमेड वस्त्र विक्रेताओं ने बताया कि थाना रोड पर लगने वाले जुमेरत साप्ताहिक बाजार में आने वाले सैकड़ों दुकानदारों से मोटी रकम वसूली जाती है, जिससे भूमि मालिक एवं ठेकेदार आपस में बांट लेते हैं। साप्ताहिक बाजार में प्रति सप्ताह लाखों रुपए का व्यापार होता है, जो पूरी तरह से चोरी का होता है। हम दुकानदार रजिस्टर्ड होने के बाद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। दुकानदार घनश्याम गुप्ता ने बताया कि इससे सरकार को राजस्व की भारी हानि होती है। क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। आज जो ये मीटिंग हो रही है, किस सिलसिले में हो रही है आपकी मीटिंग? ये मीटिंग इस सिलसिले में हो रही है, जो बृहस्पत बाजार लग रहा है, इसे बंद कराने की मीटिंग चल रही है। बृहस्पत बाजार से आपको क्या दिक्कत है? इससे बहुत दिक्कत है, दुकानदार भाई बहुत परेशान है इससे। क्या परेशान, क्या क्या परेशानी सामने आ रही है इससे? नहीं, दुकानदारी हो रही है, नहीं बोल बेटा किसी के कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से दुकानदार बहुत परेशान है, रोटियों को कहीं तबाह है। क्या रणनीति आपने अपनी तैयार की है? हमने रणनीति ये है, अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं ऊपर से मुख्यमंत्री जी या पुलिस निरीक्षक अन्य SDM वगैरह इन सबको भेज रहे हैं। इससे जो ऊपर से कार्रवाई हो जाएगी वो हमारे मंजूर है। अगर ये कार्रवाई अगर ऊपर से बाजार बंद नहीं हुआ शासन की तरफ से, फिर आप क्या करेंगे? तो हमें ये अगर बाजार बंद नहीं हुआ है तो हम व्यापारी सब इस मार्केट को पूरा बंद करके तब आंदोलन करेंगे।